हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। ये 20 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती की सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है? आंसर होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसे, एनआरए, और हिंदी में क्या कहेंगे इसे, राष्ट्रीय भर्ती संस्था। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से ऐसे भी दे सकते हैं कि केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है तो किस तरह का एग्जामिनेशन लेगा, तो इसका आंसर होगा सिंपल, सामान्य योग्यता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जरूरी है आपके जानने के लिए भी, करियर के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी अध्यक्षता में सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग हुई 19 अगस्त को, और उसी में इस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई और सरकार ने इसको ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म बताया है रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में। तो क्या करेगा ये एनआरए, तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका क्या काम होगा, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, आईबीपीएस जो बैंकों की भर्ती करता है, इसके अलावा आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, तीन सब के लिए ये जो एजेंसी है वो सामान्य योग्यता परीक्षा लेगी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। मतलब ये हुआ कि एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी ये जो पहले चरण का एग्जामिनेशन लेती थी ये अलग अलग, जिसका मुख्य मकसद ये होता था कि जो आवेदकों की संख्या है लाखों करोड़ों में उसको कम करना, तो ये जो एग्जामिनेशन है वो भविष्य में एनआरए लेगी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। इसके बाद जो टायर टू एग्जामिनेशन हुआ या मेंस एग्जामिनेशन हुआ वो एग्जामिनेशन एसएससी, आईबीपीएस या आरआरबी लेगी। ओके, साफ शब्दों में कहें तो सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके स्कोर के आधार पर तय होगा कि आप एसएससी या आईबीपीएस या आरआरबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब के ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो नॉन टेक्निकल पद है उसके लिए अप्लाई करने के योग्य हैं या नहीं। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे स्कोर होंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो इन एजेंसियों के पास आकर आपको सिर्फ टायर टू और टायर थ्री के एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत होगी। ओके, तो क्या फ़ायदा होगा युवाओं को इससे? ठीक है, सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार की तमाम भर्तियों के लिए करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, और अब क्या होगा कि इन सब के लिए एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। दरअसल इस वक्त क्या होता है कि सरकारी नौकरी की जो चाह रखने वाले युवा हैं वो कई जगह मौका तलाशते हैं और इसके लिए बहुत सारे फॉर्म भरते हैं और उनको बार बार एग्जामिनेशन देना पड़ता है। औसतन इन परीक्षार्थियों में 2.5 से 3 करोड़ युवा शामिल होते हैं, टोटल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। और हर एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट को अलग अलग तैयारी करने की पड़ती है क्योंकि पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। तो इसमें जो क्या होता है कि पहली परीक्षा में ज़्यादातर जो एग्जामिनी हैं वो सब छंट जाते हैं और ऐसे में क्या होता है बड़ी रकम खर्च हो जाती है जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में लगती है। तो अब एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसके लिए फ़ी देनी होगी, और अगर आपको स्कोर अच्छा आता है तो आप दूसरी एजेंसी के लिए नौकरी के लिए योग्य माने जाएंगे। जैसे एसएससी में स्टर्नो होगा, सीजीएल हो गया, इसके अलावा क्लर्क के पद हो गए, तो इन सब में जो है आप तभी उसके बाद ही आप दे पाएंगे, तो उसके लिए भी फ़ी देना पड़ेगा उन सब एजेंसियों में। ओके, मतलब दो बार, एक बार जब आप पास कर लेंगे एग्जामिनेशन कॉमन एलिजिबल टेस्ट, उसके बाद फिर से यहाँ भी फ़ी देना होगा। तो क्या होगा इसके तहत, तो देश भर में एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे। देखिए, देश में इस वक्त 739 जिले हैं, 739, तो इनमें से 117 जिलों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। एक ज़िले में कई सारे सेंटर होंगे और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ही होगा। तो यह सवाल उठता है कि कितनी बार एग्जामिनेशन दे पाएंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो साल में 2 बार एग्जामिनेशन होगा और कोई भी कैंडिडेट चाहे जितनी बार एग्जामिनेशन दे सकता है, कोई लिमिट नहीं होगी। तो अब सवाल उठता है कि जब बार बार एग्जामिनेशन देंगे तो जो स्कोर होगा वो कब तक के लिए वैध होगा,
देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका जो स्कोर है वो 3 साल के लिए मान्य होगा। और हाँ, अगर कई बार एग्जामिनेशन दिया है आपने तो जो हाईएस्ट नंबर होगा वही वर्तमान अंक माना जाएगा। जैसे 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुए, एक मैं बता रहा हूँ उदाहरण देकर, और पहले एग्जामिनेशन में आपने 80 स्कोर किया, दूसरे एग्जामिनेशन में आपने 60 स्कोर किया, तीसरे एग्जामिनेशन में आपने 70 स्कोर किया, तो आपका जो हाईएस्ट नंबर जो है 80 वही माना जाएगा आपका स्कोर। तो कितने तरह के टेस्ट होंगे, देखिए इसको कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। ग्रेजुएट के लिए अलग होगा, ग्रेजुएट से रिलेटेड जो नौकरियां हैं उसके लिए, इसके अलावा 12th पास के लिए अलग होगा और 10th पास वालों के लिए अलग एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन होगा कितने लैंग्वेज में होगा, तो टोटल 12 लैंग्वेज में होगा। एक और सवाल कि इस एजेंसी के लिए कितनी रकम को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, तो जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और ये खर्च अगले 3 साल में किया जाएगा और इससे 117 जिलों में एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना का भी खर्च शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी अलग अलग शहरों में जिलों में, इसके अलावा उन सबको नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा, बहुत ह्यूज एक काम होने जा रहा है। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि कब से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू होगा। देखिए इसके बारे में अभी बताया नहीं गया है, लेकिन इस एजेंसी के लिए जो फंड दिया गया है उसको 3 साल में खर्च करना है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उसको एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए 3 साल का वक्त दिया गया। तो इसका ये भी मतलब निकाला जा रहा है कि इस एजेंसी को पूरी तरह से काम शुरू करने में या एग्जामिनेशन लेने में 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसे बहुत सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि RRB का जो एग्ज़ामिनेशन जिसके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकली थी उसके लिए करोड़ों युवा ने फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या वो ये एग्ज़ाम लेगा, तो नहीं। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उसमें ये है कि रेलवे अपना ही एग्ज़ामिनेशन लेगा, लेकिन कब लेगा पता नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि राज्य सरकार के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी क्या यही टेस्ट होंगे, क्योंकि जब ये बात कही जा रही है कि सरकार ये कह रही है कि अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी, तो इसका जवाब होगा अभी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के जो राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह, उनका ये कहना है कि वो राज्यों को भी सुझाव दे रहे हैं कि वो इसी एजेंसी का उपयोग करें भर्ती के लिए, मतलब स्क्रीनिंग के लिए, और इससे राज्यों का भी संसाधन बचेगा और बच्चों का भी जो फी है वो एक तरह से बचेगा, क्योंकि एक स्क्रीनिंग हो जाएगी। और ये भी कल्पना की गई है सरकार के द्वारा, मतलब अभी हकीकत नहीं है, कल्पना ही है, कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसी टेस्ट के जो स्कोर होंगे उसी के जरिए भर्ती हो। ठीक है, ये सब अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन अब पॉइंट पे आते हैं कि इसका नाम तो रिक्रूटमेंट एजेंसी है लेकिन काम सिर्फ स्क्रीनिंग का है, मतलब ये परीक्षा एजेंसी है ना कि नौकरी देने की एजेंसी है, ये आप बात ध्यान रखना। नौकरी देने के मामले में कोई कमिटमेंट नहीं किया जा रहा है इसके द्वारा कि आप इसमें पास कर जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। ओके, और ये भी याद रखिएगा कि पिछले कुछ हफ्ते पहले ही, अभी हाल ही में, रेलवे ने ये भी कहा था कि 1 साल तक नई भर्तियां नहीं होंगी, और ये भी पता करने को कहा था अपने तमाम जो डिवीज़न हैं उन सबको कि क्या गुंजाइश है कि लोगों को कम किया जाए, कम लोगों से ही काम चल जाए। हालांकि बाद में ये मामला उठा और रेलवे ने इस पर सफाई भी दी थी कि नहीं नहीं हम भर्तियाँ करेंगे। ओके, तो एक तरफ सरकारी नौकरियाँ कम हो रही हैं सरकारी क्षेत्रों में, लगातार जो है भर्तियों में आप देख रहे होंगे कि संख्या कम होती जा रही है UPSC से लेकर तमाम एग्जामिनेशन में। ओके, और जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं रेलवे की वो अटकी पड़ी है, तो मतलब कि नौकरियों देने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ एग्जामिनेशन लेने की बात हो रही है। ओके, चलिए थोड़ी लंबा हो गया, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लगता है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी वो सब आपको मिल चुकी होगी। अगला क्वेश्चन, और आगे भी कई सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन होगा CMIE उसकी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कितने लोगों की नौकरियाँ चली गई, ये सैलरीड क्लास की बात हो रही है, सैलरी पाने वालों की, फॉर्मल सेक्टर वालों की। आंसर है 50 लाख।
ओके 50 लाख जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए हैं, जो सैलरी क्लास थी जिनको अच्छे खासे ठीक ठाक वेतन मिल रहा था, ओके और ये सिर्फ जो है वो जुलाई महीने का ही आंकड़ा है 50 लाख लोगों के बेरोजगार होने का। क्यों हुआ है? तो कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी वजह से हुआ है। तो मेरे बगल में आप न्यूज क्लिपिंग भी देख रहे हो, ठीक है। तो ये किसने रिपोर्ट जारी की है? तो CMIE ने जारी की है। क्या है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सरकार ने पिछले कुछ सालों से, केंद्र सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े देना बंद कर दिया है। तो ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली एक संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, तो वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है और उसको भरोसेमंद माना जाता है तमाम न्यूज़ जो एजेंसियां हैं या न्यूज़ पेपर्स हैं उन सबके द्वारा। तो इसी की ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिर्फ जुलाई महीने में देश में 50 लाख लोगों की नौकरियाँ गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई महीने तक कितने लोगों की नौकरियां चली गई, सैलरी पाने वालों की बात हो रही है, अप्रैल से जुलाई तक की। पिछला क्वेश्चन जुलाई का सिर्फ था। इसका आंसर होगा 1.89 करोड़ लोगों की, यानी 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी है, जो सैलरी क्लास हैं जिनको ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, ओके इसमें सब हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का जो है वो प्यून से लेकर हो या फिर आप प्राइवेट कंपनी के आप सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर लें, तो सबका मिलाकर ये बात हो रही है, ओके और एक और बात है कि सैलरी क्लास वालों की जो नौकरी चली जाती है प्राइवेट सेक्टर वालों की, उनको दूसरी बार दोबारा नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। असंगठित क्षेत्रों का क्या हाल है? देखिए, असंगठित क्षेत्रों में भी कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन अभी भी बहुत कम नौकरियां वहां पर हैं। क्यों है ये हालत? देखिए, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसका असर जो है अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। सुधार जो अर्थव्यवस्था का होना था उस पर रफ्तार पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो कई सेक्टर हैं अभी भी बुरी तरह से प्रभावित हैं, तमाम सेक्टर जैसे टूरिज्म, ट्रेवल, हॉस्पिटलिटी, ये तो बहुत ही ख़राब है और यहाँ पर 3 से 4 करोड़ नौकरियाँ जाने का अंदेशा है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है कि भारत में जो कोरोना का मामला बढ़ रहा है और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था लगातार कमज़ोर होती जा रही है, इसकी वजह से जो मौजूदा वित्तीय साल है उसमें जो अनुमानित जो GDP था -3.2%, उससे भी ज़्यादा सिकुड़ सकती है। तो हालात आने वाले वक्त में ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं, रोज़गार का संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके बावजूद जो सरकारी क्षेत्र है उसमें लगातार नौकरियां जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि रिक्रूटमेंट एजेंसी बन गई है जो केवल स्क्रीनिंग करेगी, कितनी भर्तियां होंगी सरकार ने यह नहीं बताया कि हम सरकारी क्षेत्र में कितनी नौकरियां देंगे या क्या हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने इसको रिक्रूटमेंट और जो इकोनॉमिक्स है उसको लेकर आज का करंट अफेयर्स हमने पूरा बना दिया, तो आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, देश और दुनिया से रिलेटेड, ओके तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उन सबको मैं कल भी दे दूंगा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सब, ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में देश के GDP में कितना प्रतिशत गिरावट की आशंका जताई है? आंसर होगा 16.5%। मतलब अगर GDP कहें कितना होगा तो -16.5% होगा, मतलब इतना गिर जाएगा, ओके ये अनुमान है। ये SBI के जो अर्थशास्त्री हैं उन सब ने ये अनुमान लगाया और 17 अगस्त को ही ये रिपोर्ट जारी की है, तो एक तरह से काफ़ी नेगेटिव स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है। तो SBI के चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन रजनीश कुमार, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोरोना संकट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल से जून की जो तिमाही है उसमें कितने फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? आंसर होगा 27.8%, मतलब वहाँ की जो GDP है उसका ग्रोथ रेट -27.8% ये रहा, ओके जापान की इकॉनमी पर कोरोना वायरस ने बिल्कुल हाहाकार मचाया हुआ है। अप्रैल से जून तिमाही तक ये आंकड़े दर्ज किए गए हैं। जापान सरकार की ओर से ये आंकड़े जो हैं वो 17 अगस्त को जारी किए गए हैं।
और ये दिखाया गया कि अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। और ये वहाँ की जो मीडिया है, जापान की मीडिया, उसके उसमें ये कहा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि सबसे भयानक ये अर्थव्यवस्था की गिरावट है। अच्छा, इससे पहले वाली जो तिमाही थी उस समय भी मंदी आई थी, मंदी की स्थिति थी, मतलब नेगेटिव में ग्रोथ रेट था और मंदी की घोषणा कर ही दी गई थी जापान ने सबसे पहले। ये भी आपको सवाल हो सकता है कि किस देश ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना पेंडेमिक के वजह से मंदी घोषित की, अपने आप को मंदी की चपेट में है वो, तो था देश जापान। ठीक है, तो एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, वहाँ का निर्यात भी घट गया, 56% तक निर्यात घट गया। तो जापान की बात हो रही है, प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे, और मुद्रा क्या है? जापानीज येन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आर्थिक मंदी की चपेट में आई यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में अप्रैल से जून तिमाही, यानी ये सेकेंड तिमाही कहते हैं इसको वहाँ पर, तो उसके GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका आंसर 20.4%। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब अलग अलग देशों का, क्योंकि जब भी आपको UPSC में या PCS एग्जामिनेशन जो स्टेट के होते हैं उस सब में, अगर इकॉनमी पर इफ़ेक्ट को बताना हो कोरोना का, अगर आपको लिखने को दिया जाए, तो ये सब बातों को आप लिख के दे सकते हो, बता सकते हो कि अलग अलग देशों में क्या हालात हुए हैं, क्या क्या हुए हैं। और जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं, पुलिस के हो या फिर SSC के हो, IBPS के हो, तो उन सब में ये सब जो आंकड़े हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो अगर ब्रिटेन की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो पिछले 11 साल में पहली बार ब्रिटेन जो है वो मंदी की चपेट में आया। ब्रिटेन में फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जनवरी से दिसंबर का होता है, ओके, इसलिए इसमें यहाँ पर दूसरी तिमाही कहा गया है अप्रैल से जून को। भारत में अप्रैल से जून पहली तिमाही होता है, क्योंकि भारत में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो अप्रैल से मार्च चलता है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मंदी कब कहेंगे कि कोई देश मंदी में आ गया। देखिए, अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के जो नियम है उसके तहत ये माना जाता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक जो अगर उसकी गिरावट जो है लगातार दो तिमाही में नीचे रही, माइनस में रही, तो मान लिया जाता है कि वो मंदी में फंसी हुई है। और ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, तो उनका कहना है कि आंकड़े बता रहे हैं कि ब्रिटेन जो है अभी ठीक समय से नहीं गुजर रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आने वाले वक्त में महीनों में जो है बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। एक तरफ ब्रिटेन में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ की सरकार ये मान रही है कि हाँ हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन अगर भारत के बारे में सोचें तो भारत की सरकार कभी नहीं बोल रही है इस पूरे पेंडेमिक के दौरान कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ भी रही है, ओके। तो G7 देशों में सबसे ख़राब हालत ब्रिटेन की देखने को मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, और मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद बांग्लादेश के GDP वित्त वर्ष 2019-20 में कितनी बढ़ोतरी हुई उसके GDP में? इसका आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि वहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फिस्कल ईयर कहते हैं उसको, वो जुलाई से जून होता है। ठीक है, तो अभी जो जून खत्म हुआ है वो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। भारत में क्या है? अप्रैल से मार्च होता है और बांग्लादेश में जुलाई से जून होता है। तो ये आप ध्यान रखना, अलग अलग देशों का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है। तो इसका आंसर होगा 5.24%। ओके, बांग्लादेश में इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी पिछले फाइनेंशियल में कहिए, तो उसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिला है कोरोना के बावजूद। ठीक है, GDP के इस जो बेहतरीन बढ़त है इसको देखते हुए दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत जल्दी पटरी पर लौट आएगा, और COVID-19 का जो संकट है उससे उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना इफ़ेक्ट जो है इंडिया को, या फिर कहें उधर ब्रिटेन को, जापान को, या दूसरे देशों को देखने को मिला है। तो ये आश्चर्यजनक रूप से सुधार वहाँ पर हुआ है मार्च के बाद से। बांग्लादेश की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। मुद्रा क्या है? टका। राजधानी ढाका है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा लीक से हटकर। उसे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का करंट फ्रूट्स अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया डिटेल में, वैसे ही नोट्स में भी है, पूरा नोट्स दिया हुआ है, तो आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है पीडीएफ 2020 का भी, का 2019 का भी पीडीएफ है, और 2019 का तो बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई है या वो पदभार ग्रहण करने वाले हैं? आंसर होगा एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सबको पता होगा क्योंकि ये मुद्दा पहले भी आ चुका है। और वो किसकी जगह लेंगे एडीबी में, तो दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। दिवाकर गुप्ता का 31 अगस्त को कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो अब वो लवासा जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो अभी थे अब तक लवासा, जनवरी 2018 में उनको नियुक्त किया गया था। और अगर निर्वाचन आयोग के इतिहास में बात करें तो अशोक लवासा दूसरे ऐसे निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। 2019 में काफ़ी सुर्खियों में आए थे अशोक लवासा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृहमंत्री हैं इस वक्त, तो उनके चुनाव आचार संहिता के जो उल्लंघन के मामले थे उनको क्लीन चिट देने का उन्होंने विरोध किया था। ओके, तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में वो रहे थे। एक क्वेश्चन आपसे, इस वक्त भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जरूर बताइए, और दूसरे निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे निर्वाचन आयुक्त कौन है। एडीबी की बात हो रही है यहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक में ज्वाइन करेंगे, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। सदस्य देश कितने हैं, मेंबर कंट्री 68, मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त, मात्सुग असकवा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ है, तो उसका नाम क्या है? आंसर होगा रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम पैक कहते हैं इसे। ओके, तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप में शुरू हुआ है और 10 देश इसमें शामिल हुए हैं। पहले 30 देश शामिल हुआ करते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से 10 ही देश को शामिल किया गया, 10 देश की नौसेना को। अगला क्वेश्चन आखिरी लेते हैं, गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन, ये यूपी में ही है, वाराणसी ज़िले में मौजूद है ये रेलवे स्टेशन, और यूपी सरकार ने नाम बदलने को कहा था, आग्रह किया था गृह मंत्रालय से, तो गृह मंत्रालय ने स्टेशन का नाम बदलने का जो NOC है वो जारी कर दिया है। ठीक है, दरअसल होता ये है कि किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ से NOC लेने के बाद मंजूरी लेनी पड़ती है, गृह मंत्रालय से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये हुआ है चीज़ें। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, थोड़ा लंबा रहा, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और इसका PDF जो है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आमतौर पर बगल में लिंक आता था, वहीं से आप डाउनलोड करते थे, लेकिन इस बार जो लिंक है वो एक खास तरह के कॉन्टेस्ट का है, ब्लाइंड पर्सन्स जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकते हैं, उन लोगों का एक कुकिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है, और हम लोग भी उसमें एक तरह से सहयोगी हैं उस पूरे आयोजन में। तो आपसे अपील है कि आप ज़रूर देखिए, ये चैनल है, चैनल का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, वीडियोस देखिए कि किस तरह से नेत्रहीन लोग जो हैं वो खाना पकाते हैं, उनका कॉन्टेस्ट चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है खाना बनाने की। तो आप देखिए और वोट भी कीजिए, लाइक कीजिए उनको और उनको प्रोत्साहित कीजिए, मेरी यही अपील है आपसे।